हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है करंट डेंसिटी। और इसके साथ साथ हम कुछ और बेसिक टर्म्स देखेंगे, जैसे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इसमें से आपको एक छोटा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है जो 1 या 2 मार्क्स में आता है, जिसमें से इसकी डेफिनेशन या इसके SI यूनिट या इसका फॉर्मूला पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट डेंसिटी क्या होती है। देखिए, डेंसिटी वर्ड आप कई बार पढ़ चुके हैं। डेंसिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई भी क्वांटिटी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूमेट्रिक की बात है तो, अगर एरिया की बात है, सरफेस की बात है, सरफेस डेंसिटी की, तो जो भी क्वांटिटी होगी वो पर यूनिट एरिया हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए करंट डेंसिटी का मतलब क्या है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर, कि कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे जो करंट डेंसिटी है उसका मतलब क्या है, इज डिफाइंड एज, उसको हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, कि कितना चार्ज फ्लो करता है पर सेकंड, एक सेकंड में, थ्रू ए यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया के अंदर से। अब वो एरिया कैसा है? हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट दैट पॉइंट, कि वो एरिया हमारा चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन के कैसा हो, नॉर्मल हो, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। क्लियर है? तो देखिए, द करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट जो है, ये मान लेते हैं आपके पास एक एरिया है, एरिया ए, जो आपके पास यूनिट एरिया है, और इस प्रकार से आपका इधर चार्ज फ्लो करता है, ये आपके पास चार्ज है, इसके परपेंडिकुलर हमने ये एरिया रखा। क्लियर है? तो करंट डेंसिटी मान लो हम इस पॉइंट पे, यहाँ इस पॉइंट पे बताना चाहते हैं किसी कंडक्टर के अंदर, तो यहाँ से कितना चार्ज फ्लो करता है एक सेकंड में इस एरिया के अंदर से, वही हमारी क्या हो जाएगी, करंट डेंसिटी हो जाएगी। देखिए, करंट डेंसिटी जो है उसको हम जे वैक्टर से लिखते हैं, जे वैक्टर, ये नोटेशन आपको याद रखनी है, करंट डेंसिटी को हम जे वैक्टर से लिखेंगे। अब यहाँ देखिए इसके फॉर्मूला पे, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, जो भी क्वान्टिटी हो, यहाँ पर करंट की बात कर रहे हैं, तो करंट पर यूनिट एरिया, ये आपका करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है, इसको हम जे वेक्टर से नोट करेंगे। अब इसके बाद ये दिखाया गया, देखिए यहाँ से थोड़ी सी इमेज इसकी क्लियर होगी आपको, इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करता है, करंट का मतलब चार्ज फ्लो करेगा, ये आपका एरिया है ए। अब देखो, किसी भी एरिया की अगर आपको डायरेक्शन दिखानी हो, तो जो हमने गॉस थ्योरम की थी वहाँ पर हमने देखा था कि कोई भी सरफेस एरिया की डायरेक्शन दिखानी हो तो उसके ऊपर क्या करते हैं, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उस सरफेस का जो परपेंडिकुलर या जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो हमें क्या दिखाता है, उस सरफेस की डायरेक्शन दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये सरफेस इस प्रकार से है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, जैसे एक रिंग होती है जो एक कड़ा हम हाथ में डालते हैं, उस प्रकार से ये है, और इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो इस प्रकार से इधर होगा, जिस डायरेक्शन में हमारा करंट है। क्लियर है? अब इसने थोड़ी सी कंडीशन को चेंज कर दिया कि अगर हम इस एरिया को इसके परपेंडिकुलर रखने की बजाय किसी एंगल से थोड़ा सा रोटेट कर दें। देखो, पहले तो ये ऐसे रखा हुआ था, अब इसको हमने ऐसे कर दिया, कुछ एंगल पे रोटेट कर दिया, तो अब इस वेक्टर डायरेक्शन जो होगी इस एरिया की, एरिया की डायरेक्शन देखिए कहाँ से आएगी, अब इसका परपेंडिकुलर इधर जाने की बजाय इधर जाएगा, इस प्रकार से, इसके अंदर सरफेस पर हम नॉर्मल जो ड्रॉ करेंगे वो। अब इस नॉर्मल के अगर हम कंपोनेंट तोड़े, तो एक कंपोनेंट तो ये इस प्रकार से यहाँ बनेगा और एक कंपोनेंट इस तरफ, जो एंगल की तरफ होता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, कोस थीटा। तो इस ए वेक्टर का कंपोनेंट इस तरफ करंट की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा। अब यहाँ से देखते हैं करंट डेंसिटी की टर्म में, आई बाई ए एन, ए एन का मतलब है एरियल वैक्टर का नॉर्मल इस डायरेक्शन में आपका, इसकी वैल्यू कितनी लिखी आपने, ए कोस थीटा। अब यहाँ से इस आई की वैल्यू निकाले तो ये टर्म कहाँ जाएगी, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगी, जे के साथ ए कोस थीटा। अब देखो, कोस थीटा जो है, आपको पता है अगर आप उस वेक्टर फॉर्म में उसको लिखना चाहो तो कोस थीटा की जगह क्या आती है, डॉट मल्टीप्लाई आती है, और साइन थीटा हो तो उसकी जगह क्या आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इस टर्म को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जे वैक्टर डॉट ए वैक्टर, इस प्रकार से, क्योंकि कोस थीटा जो उसकी जगह क्या आ जाएगी, डॉट मल्टीप्लाई आ जाएगी, और डॉट मल्टीप्लाई जो होती है उसका रिजल्ट हमेशा कैसा आता है, स्केलर आता है, एक नंबर आपको मिलता है। तो देखिए, यहाँ से ये भी हमें यही दिखाता है कि हमारा जो करंट है वो एक कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? इसके बाद करंट डेंसिटी की SI यूनिट क्या होगी। अब देखो, करंट डेंसिटी जो जे है वो आपके पास आई बाई ए है। आई क्या है, करंट, करंट को किस में मापते हैं, एम्पियर में,
ए क्या है एरिया, एरिया किस में मापा जाता है मीटर स्क्वायर में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। और डायमेंशनल फॉर्मूला बनाए तो एम्पियर के लिए तो ए लिखा जाएगा, मीटर स्क्वायर के लिए एल माइनस टू। ये तो आपके पास थी करंट डेंसिटी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कंडक्टेंस। देखिए कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ये आपके पास दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको आपने अच्छे से समझना है। इनकी डेफिनेशन और फॉर्मूला और इनकी एसआई यूनिट ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, मोस्टली इनमें से एक क्वेश्चन एमसीक्यू जरूर देखने को मिलता है। देखिए कंडक्टेंस जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है रेजिस्टेंस का उल्टा है। रेजिस्टेंस का मतलब तो रोकना विरोध करना, और कंडक्टेंस का मतलब उसको फ्लो होने देना। तो देखिए कंडक्टेंस होता क्या है, द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द ईज, ईज का मतलब होता है आसानी से, विद विच इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू इट। कि कंडक्टेंस जो है एक कंडक्टर का हमें ये बताता है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज कितना आसानी से फ्लो कर सकता है। क्लियर है। और रेजिस्टेंस क्या होता था कि कितना वो चार्ज का या इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने से रोकेगा, अपोज करेगा। कंडक्टर बिल्कुल उसका उल्टा है, वो क्या करता है उसको आसानी से फ्लो करने देता है। इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेजिस्टेंस, ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। आप इसको सीधा ये भी कह सकते हो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से, और रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। अब ये इसका रेसिप्रोकल है तो देखिए जी किसके इक्वल हो जाएगा वन बाई आर के। इसकी एसआई यूनिट ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसकी एसआई यूनिट बनाओगे तो रेजिस्टेंस की क्या होती थी ओम होती थी, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स। इसको ओम इनवर्स की बजाय आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में कुछ और नाम दिया मिल सकता है। देखो ओम इनवर्स का मतलब ओम का उल्टा, ओम का उल्टा कर दो, देखो एम पहले एच फिर ओ, तो ये क्या बन जाएगा मोह। तो मोह जो है ये भी इसकी एसआई यूनिट के नाम से जानी जाती है। या फिर हो सकता है ऑप्शन में ये दोनों कोई भी ना दिया, और ना तो ओम इनवर्स दिया गया और ना ही मोह दिया गया हो, तो क्या लिखोगे आप सीमेंस। सीमेंस जो है ये भी इसकी एसआई यूनिट्स है जिसके अंदर इसको मेजर किया जाता है। सीमेंस को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में ओम इनवर्स महो या सीमेंस तीनों में से कोई भी यूनिट हो, तीनों किसकी यूनिट है आपकी कंडक्टेंस की यूनिट है। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं कंडक्टिविटी। देखिए कंडक्टिविटी क्या होती है, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस का उल्टा कौन था कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी के उल्टा क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती थी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता था जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कह सकते थे आप। अब जो कंडक्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी का उल्टा है। देखिए द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड इट्स कंडक्टिविटी। तो किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी का जो उल्टा होगा वो क्या कहलाएगा कंडक्टिविटी कहलाएगा। इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा। तो कंडक्टिविटी किसका उल्टा रेजिस्टिविटी का, सिग्मा किसके इक्वल वन बाई रो, क्योंकि रेजिस्टिविटी को हमने किससे नोट किया था रो से नोट किया था। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो देखिए रो जो था उसकी एसआई यूनिट क्या होती थी ओम मीटर, ये उसकी एसआई यूनिट थी। अब ये वन ओवर ओम मीटर है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स पर मीटर। अब इसको देखो ओम इनवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं महो, मीटर तो पर मीटर एज इट इज रहेगा पर मीटर, और महो की जगह हम एक दूसरा नाम दे सकते हैं सीमेंस कैपिटल एस, तो सीमेंस पर मीटर। तो ये सारे इसकी जो है वो एसआई यूनिट्स हो जाएंगी जो जो हम इसको नाम दे सकते हैं। क्लियर है इतना। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि आपके जो मटेरियल्स होते हैं उनको रेजिस्टिविटी की टर्म पे हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए बेसिकली आपको पता है आपके पास तीन प्रकार के मटेरियल होते हैं, एक तो होते हैं कंडक्टर्स, दूसरे आपके पास होते हैं इंसुलेटर्स, और तीसरे जो हैं वो आपके पास होते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स इन तीनों को हम रेजिस्टिविटी के बेस पे डिफाइन करते हैं। देखिए इस प्रकार के मटेरियल जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो कर जाता है वो आपके क्या कहलाते हैं कंडक्टर्स, और जो आपके इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देते वो आपके क्या कहलाते हैं इंसुलेटर्स। और ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी आपकी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है, मतलब कंडक्टर से ज़्यादा होती है इंसुलेटर से कम होती है, मतलब थोड़ा बहुत करंट अपने अंदर से पास होने देते हैं, उस प्रकार के मटेरियल को हम क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। ये बेसिकली आप छोटी क्लासेज में भी कर चुके हैं कंडक्टर इंसुलेटर क्या क्या होते हैं। तो क्लियर है आज तक जो है
आज हमारा यहीं तक का था काम। नेक्स्ट जो है हम एक अलग टॉपिक करेंगे, जो हम करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।